नमस्कार। आज हम 12th क्लास के डे 38 में और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पढ़ा है पूर्णार्थिक प्रावधान। कल की क्लास में डे 137 में हमने पढ़ा था कि कांच की पट्टिका से कैसे अपवर्तन की गणना होती है और उसके लिए हमने पूर्ण ये पार्श्विक विस्थापन के लिए व्यंजक सॉल्व किया था और फिर वास्तविक और आभासी गहराइयों के बारे में पढ़ा था। अपवर्तन से संबंधित कुछ एक दो घटनाएं और भी है सिंपल जो पूछ ली जाती है, जैसे तारों का टिमटिमाना वो भी अपवर्तन में आता है, पूरे अस्त हो जाता है उसके बाद भी कुछ समय तक दिखाई देता है वो भी अपवर्तन के कारण ही आता है। रीजन सबके अंदर वही है, डायग्राम वैसे ही बढ़ेगा जैसा हमने बनाया था कि इसके अंदर आभासी और वास्तविक गहराई में कि प्रकाश किरण जहां से आती है वहां से आती है, उपस्थित नहीं होती दूसरी जगह से आती है उपस्थित होती है, इसीलिए हमें वो घटना दिखाई देती है। कोई रोड, कोई छड़, कोई पाइप अगर किसी जल में डूबी हुई है तो वो हमें थोड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, वो भी अपवर्तन के कारण ही है। वास्तव में प्रकाश किरण जहां से आती है वहां से आती हुई दिखाई नहीं देती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस तरह से ये पानी से भरी बाल्टी है, इसके अंदर ये कोई रोड ऐसी डली हुई है, अब कोई देख रहा है यहां से तो उसके लिए क्या लगेगा उसको कि ये जो प्रकाश किरण यहां से जा रही है, यहां जब वो विरल से सघन से विरल में आ रही है तो विरल से दूर हट जाती है, दूर हटेगी तो वो इधर मुड़ जाएगी। अब इसको क्या लगेगा, इसको ये लगेगा कि ये कहां है, यहां है। इस तरह से इसके लिए तो क्या हो गई, इसके लिए तो वो ऐसी हो गई कि इधर से फिर ऐसे मुड़ गई, लेकिन वास्तव में रोड मुड़ी हुई नहीं है, बात दिखाएंगे तो वो कि वो सीधी की सीधी रोड है हमारे पास। तो ये दो तीन घटनाएं और अपवर्तन से संबंधित है जो सिलेबस में भी है आपके, तो ऐसे दे दिया जाता है क्वेश्चन इसके अंदर कि तारों का टिमटिमाना कौन सी घटना को व्यक्त करता है, अपवर्तन को व्यक्त करता है। सूर्यास्त होने के बाद भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है वो भी इसी में आता है, जल में डूबी हुई छड़ मुड़ी भी दिखाई देती है वो भी इसमें आता है, 9वीं 10वीं में इसी ज्यादा डिटेल से। कारण क्या, कारण सबका इस तरह से ही है कि प्रकाश किरण जहां से आ रही है वहां से आती हुई प्रतीत नहीं होती, कहीं और से आती हुई प्रतीत होती है, इसलिए हमें ऐसा दिखाई देता है। ये तो थी अपवर्तन की बात। अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब ये भी परावर्तन है और अपवर्तन में क्यों दे रखे, परावर्तन तो मैंने पहले पढ़ दिया, परावर्तन में नहीं आई ये टॉपिक, अपवर्तन के साथ इसको दिया गया। क्यों दिया गया, क्योंकि वास्तव में तो ये अपवर्तन ही है, वास्तव में क्या है ये अपवर्तन है, परावर्तन नहीं है, लेकिन ये परावर्तन की तरह व्यवहार करता है इसलिए इसको कहते हैं परावर्तन। तो इसका नाम क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब इसको हम देखेंगे किस प्रकार से ये घटना होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की और किस प्रकार से इसके जो वैल्यूज है वो ली जाती है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है लगभग एक आध साल के बाद रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, इसके अंदर 6-7 क्वेश्चन बढ़ते हैं छोटे छोटे जो किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, फिर दो तीन एक दो न्यूमेरिकल बनते हैं इसके अंदर, एक इसी कंडीशन है, एक इसमें क्रांति कोण की बात करेंगे वो है, कई चीजें हैं छोटी छोटी। तो इसको देखते हैं क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें पूछी जाती है मुख्य रूप से, क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसके लिए हम कोई माध्यम ले लेते हैं, ये हम ले लिया सघन माध्यम है। और इधर कौन सा माध्यम है, ये विरल माध्यम है। अब हमने पहले कुछ बातें पढ़ ली कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से दूर हटती है। तो पहली कंडीशन तो क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की गणना की, कि प्रकाश किरण सघन से विरल में जानी चाहिए, पहली कंडीशन। जब यहां प्रकाश किरण ये अभिलंब मान लेते हैं, प्रकाश किरण यहां से आती है इस तरह से, ये इसका आपतन कोण है अभिलंब के साथ बनने वाला कोण, तो ये जाने तो किधर से, ये नहीं मुड़े तो ऐसी जानी थी, लेकिन अभिलंब से दूर जाती है, पास जाएगी तो अभिलंब की ओर और दूर जाएगी तो इसे दूसरी साइड, तो इस तरह से ये टर्न करती है।
अब जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है। ये जो कोण है इसको क्या कहते हैं, आर, अपवर्तन कोण। तो जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है। अब अगर आई का मान और बढ़ा दिया जाए तो ये प्रकाश किरण जो है वो अपवर्तन के बाद में कोण नीचे आ जाएगी। अभी तो कोण बढ़ा हुआ क्योंकि कोण किसके साथ, अभिलंब के साथ। तो अगर दूसरी स्थिति अगर हम ये ले लें इसके अंदर ये अभिलंब है, इस कोण को हमने थोड़ा सा और बढ़ा दिया आई को, तो ये क्या हो जाएगी और इधर आ जाएगी। तो आई आर का मान क्या हो गया पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब आई का मान अगर और बढ़ाया जाए, आई का मान अगर और बढ़ाया जाए तो क्या होगा, एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये प्रकाश किरण जो है अपवर्तन के बाद इस तल के समांतर हो जाएगी। क्या हो रहा है, नीचे आ रही है, पहले यहां थी अब और नीचे आ गई, और नीचे आ गई, तो क्या एक स्थिति ऐसी भी आएगी जब इस तल के समांतर हो जाएगी। जब ये समांतर हो जाएगी उस स्थिति में और बढ़ा दिया इसका आई हमारा, उस स्थिति में ये किस तरह से हो जाएगी, तो ये कौन हो गया आर और ये कितना हो गया 90 डिग्री। तो इस स्थिति में अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। और इस स्थिति में जो आपतन कोण है इस कोण को कह देते हैं क्रांति कोण। एक परिभाषा आ गई महत्वपूर्ण परिभाषा, क्रिटिकल एंगल सी क्रांति कोण, पूरी परिभाषा इसकी और क्या क्या बात है इसके अंदर महत्वपूर्ण है वो सारी हम बाद में बात करें, पहले इस कंडीशन क्या है वो समझोगे। क्रांति कोण क्या है, सी, सी से लिखते हैं, सी फॉर क्रिटिकल एंगल। अब इसके अंदर क्या आ गया, जैसे जैसे आई का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे आर का मान भी बढ़ता है। एक स्पेसिफिक एंगल, एक विशिष्ट कोण आई बराबर सी जिसे क्रांति कोण कहते हैं, उस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। इस पर 90 डिग्री, तो एक परिभाषा इसमें याद आती है, क्रांति कोण को परिभाषित कीजिए। तो क्या परिभाषित करना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है उसे क्रांति कोण कहते हैं। बात आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है उसे क्रांति कोण कहते हैं। तो ये तो आ गया क्रांति कोण सी। अब देखो आई का मान ग्रेटर देन सी हो जाए, घटना कौन सी चल रही है, अपवर्तन ही चल रहा है, लेकिन परावर्तन क्यों कहते हैं इसे, वो कंडीशन आ जाएगी। अगर आई का मान जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं आर का मान वैसे वैसे कम हो रहा है, और अब आई का मान और बढ़ाते सी से भी ज्यादा करते क्रांति कौन से भी, तो आर का मान और बढ़ेगा। अब जब इधर से होते 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 यहां आ गया, अब अगली स्थिति क्या आएगी, और बढ़ाएंगे तो नीचे आ जाएगा, नीचे कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है, सघन माध्यम है। तो क्या होगा इस स्थिति में, वेन आई इज ग्रेटर देन बाय सी, आई का मान क्रांति कोण से अधिक हो तो अपवर्तित किरण वापिस किसी माध्यम में आ जाती है, उसी माध्यम में लौट आती है, सघन माध्यम में लौट आती है, और यह घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। अब इसको डिफाइन करना, ये आ गई प्रक्रिया भी आ गई इसके अंदर, डेफिनेशन भी आ गई है, क्रांति कोण भी आ गई, पूरा आए पूर्ण आंतरिक परावर्तन को परिभाषित कीजिए दो नंबर में। तो आपको पूरा डायग्राम बना के पूरा बताना है। एक नंबर में पूछा जाए क्रांति कोण को परिभाषित करो तो केवल क्रांति कोण बताना है, एक नंबर में पूछा जाए पूर्ण आंतरिक परावर्तन को परिभाषित करो तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन बताना है। कैसे बताना है, अब इसकी परिभाषा, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आती है तथा जैसे जैसे अपवर्तन कोण का मान बढ़ता है आपतन कोण का मान बढ़ता है, वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है। एक निश्चित आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है जिसे क्रांति कोण कहते हैं। यदि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक रखा जाए तो प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से आती है, यह घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है।
यह घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। यह हो गई इसकी परिभाषा। परिभाषा में क्या लिखना है, जो आपने प्रोसेस को समझा है वही प्रोसेस आपको ऐसी की ऐसी इसकी परिभाषा बना के लिख देनी है, अपने शब्दों में लिख सकते हैं आप इसको। दोबारा बता देता हूं एक बार कि क्या लिखना है आपको। शॉर्ट में लिखे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तथा आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होता है, उस स्थिति में प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, यह घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। अब इसके अंदर क्वेश्चन कितने हो गए देखो, क्रांति कोण, अगर क्रांति कोण को बता रहे तो सीधा बता रहे कि वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है उसको कहते हैं क्रांति कोण। महत्वपूर्ण बात है ये परिभाषा, इसके अंदर सारी बातें इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकती है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। सर पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट आपसे। अब देखो इसके लिए हम डेरिवेशन, एक बात और जो मुख्य बात है इसकी वो क्या है, मुख्य शर्तें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की मुख्य शर्तें, मुख्य शर्तें क्या है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। मुख्य शर्तें इसकी दो ही मुख्य शर्तें हैं, दोनों इसके अंदर है डायग्राम में। पहली मुख्य शर्त तो क्या है, प्रकाश किरण सघन से विरल में जानी थी, अगर विरल से सघन में आएगी तो ये घटना नहीं होगी। तो पहली कंडीशन तो क्या है, प्रकाश किरण किधर, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आनी चाहिए, और दूसरी आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा होना चाहिए तभी तो वो इधर आएगी, वरना तो यहां ऊपर ही रहेगी वो बाहर ही रहेगी। और क्रांति कोण में भी क्या आएगी, इधर भी आएगी, परावर्तन ही होगा, तब तो समांतर हो जाएगी। कब होगा, जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से भी ज्यादा हो जाए, तो जब आपतन कोण का मान क्या होना चाहिए, दूसरी बात आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। अगर मुख्य शर्तें गए तो ये दो मुख्य शर्तें, तीसरा क्वेश्चन हो गया, तीन चार क्वेश्चन हो गए। ये शॉर्ट में विद्यार्थी भी अलग अलग एक साथ सारी बातें नहीं आएंगी, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा इसमें से, और सबसे ज्यादा संभावना होती है इस चैप्टर में कहे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। अभी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी आएंगे इसके। अब इसके लिए हम डेराइव करते हैं स्नेल का नियम, हमें पता है जहां अपवर्तन आ गया वहां स्नेल का नियम, एक ही नियम लग रहा है, साइन आई अपॉन साइन आई इज इक्वल टू क्यू। लेकिन वो कब होता है, जब विरल से सघन माध्यम में जाती है प्रकाश किरण, तब तो होता है साइन आई अपॉन साइन आई इज इक्वल टू न्यू। लेकिन अगर सघन से विरल में जा रहे तो उल्टा हो रहा है, तो उसको हम क्या लिखते हैं, वन अपॉन म्यू लिखते हैं, वन अपॉन म्यू, तो क्या आएगा, वन अपॉन म्यू आएगा। अब देखो इसमें स्नेल का नियम लगाते हैं, बाय स्नेल लॉ क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या आएगा, वन अपॉन म्यू। म्यू क्या है, म्यू यहां पदार्थ का अपवर्तन आ गया, माध्यम का अपवर्तन आ गया, कौन सा माध्यम, जो ले रहे हैं, जो ले रहे हैं उस माध्यम का अपवर्तन आ गया। अब याद रखिए इसके अंदर आई और आर के मान क्या होंगे, हमें तो कौन सी कंडीशन लगानी है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या है, आई को किसके बराबर है, सी के, और आर किसके बराबर है, 90 डिग्री। तो आई की जगह तो सी रख दो और आर की जगह 90 डिग्री, वो जो समीकरण बनेगी वो बनेगी किसकी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की समीकरण। ये किसकी है, ये तो सिंपल स्नेल का नियम है, सभी अपवर्तन की घटनाओं में लागू होता है। तो यहां पूर्ण आंतरिक परावर्तन में, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो यहां से हो रहा है, क्या होगा, आई बराबर तो सी है और आर बराबर 90 डिग्री है, और साइन 90 क्या होता है, एक, तो यहां रख देंगे साइन सी इज इक्वल टू, ये तो वन हो गया, इज इक्वल टू वन अपॉन म्यू,
तो साइन सी इज इक्वल टू आ गया 1/ म्यू, और म्यू इज इक्वल टू आ गया साइन सी, इधर एक मुझे बाद में चला जाएगा साइन सी आ गया। ये सारी बातें महत्वपूर्ण है, स्क्रीन शॉट ले लिया आप इसे लिखिए। तो अगर आपको देखो यहां से दो क्वेश्चन बन रहे हैं, आप देखिए किसी पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, क्रांति कोण बताओ, 1.5 रख देंगे, 1.5 पॉइंटेड आएंगे तो ऊपर क्या जाएगा 10 आ जाएगा, आ जाएगा 2/3। हमें किस मान निकालना है, सीधा अगर ऐसा कोण ऐसा आ जाए जो साइन में वैसा होता है एग्जैक्ट 45 डिग्री में 60 डिग्री में बैठे, तब तो डायरेक्टली तो इतने डिग्री नहीं आ रहा है, तो साइन को इनवर्स कर दो, साइन इनवर्स आ गया, जैसे मान लो 1/2 आ गया, 1/2 तो हमें पता है साइन में 30 डिग्री का होता है, तो लिख दो सी बराबर 30 डिग्री, 1/3 आ गया, हमें नहीं पता कितना होता है, तो आपके पास आ गया साइन सी बराबर आ गया 1/3, तो सी बराबर क्या आ गया साइन इनवर्स 1/3। ऐसे कोण को लिख देते हैं। तो ये यहां से न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं, न्यूमेरिकल महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से समझ ले, लिख ले। दो परिभाषा इसके महत्वपूर्ण है, पूर्णांकित परावर्तन क्या है, क्रांति कोण क्या है, दो परिभाषा। उसके अलावा फिर इसमें इसकी मुख्य शर्तें लिख ले क्या है, डायग्राम आपको पता होना चाहिए, स्नेल का नियम अप्लाई कैसे करते हैं वो जानो, और फिर उसके अप्लाई करने के बाद जो अपने पास रिजल्ट आता है ये रिजल्ट महत्वपूर्ण है। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन में लिख देता हूं आप उसको सोल्व कर लेना। आज के दो क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक 2 है तो उसके लिए क्रांति कोण कितना होगा, तो क्या करना है, मानदंड म्यू की आपको क्या दे दिया, म्यू का मान दे दिया, तो म्यू की जगह 2 लिखो, साइन सी बराबर 1/2, अब देख लो कितने डिग्री पर हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखे इसका, क्वेश्चन नंबर 2 उल्टा दे दे आपको, आपको सी का मान दे दे, म्यू का मान पूछ ले, तो म्यू बराबर 1/sin C, ठीक है, तो ऐसे में आपको मान दिया जाएगा जिसके अनुसार आप सोल्व कर दो। जैसे आप क्रांति कोण का मान दे दिया, भाई किसी के लिए 45 डिग्री है, म्यू का मान बताओ, तो 45 डिग्री रख दो, जो मान वो पता चल जाएगा। जैसे लिख देता हूं मैं, किसी पदार्थ का के लिए क्रांति कोण 45 डिग्री, यही ले लेते हैं, उस पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व कर लिया आप, और सोल्व करके आंसर कमेंट कर दें। तो ये है पूर्णांकित परावर्तन।